ये पॉइंट ऑफ समझ ही पा रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल में धर्म, भाषा, व्यवसाय, वेशभूषा, देश, जो आपको ध्यान रहे तीन चार एग्जाम्पल दे दीजिएगा। आपकी राय क्या है, विवृतियां जन्मजात होती होंगी या सीखी जाती होंगी? सोच के बताओ, अभिवृत्तियां जन्मजात होती हैं या सीखी जाती हैं? जैसे अगर आपको वेस्टर्न ड्रेसेस पसंद हैं तो ये आपको जन्म के समय से पसंद है या बाद में पसंद आई? पक्का? चलो ठीक है। अब ये बताओ कि जैसे एक बच्चा पेट के अंदर है, माँ के पेट में, अभी मतलब आया नहीं है लेकिन 5-6 महीने का हो गया है, 3 महीने अभी उसको परिपक्व होने में लगेंगे, लेकिन बच्चा हरकतें करने लगता है पहले ही, आपको पता ही होगा, फिल्मों में देखा ही होगा। तो क्या होता है कि माता के लिए इस बात की गारंटी कि बच्चा स्वस्थ है, एक ही होता तरीका कि बच्चा पेट के अंदर लात मार रहे कि नहीं मार रहा है। तो छोटे बच्चे क्या होता है, बहुत छोटी जगह में टाइट बैठे होते हैं अंदर बेचारे, मुड़े मुड़े तोड़े होते हैं एकदम, तो जब थोड़ा टांग में दर्द होता है लात मारते हैं थोड़ा में खींच के, तो उससे माँ को पेट में गुदगुदी होती है, उसको लगता है कि चलो ये ठीक है, ऐसा मतलब ठीक फील कर रहा है। और यदि बच्चा लात वात ना मारे एक आध दिन तो माँ सदमे में आ जाती है कि है मेरा लाल, अभी तो जन्म भी नहीं हुआ था, अभी से शांत पड़ गया है। फिर डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर अपने तरीके से देखता तो बता रहे हैं ठीक है, मतलब सोया हुआ है, सोएगा भी नहीं क्या, लात मारता रहेगा हमेशा, सो रहा बेचारा। तो क्या होता है कि उस टाइम पर आजकल एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं कि बच्चों को म्यूजिक सुनाते हैं, बच्चों को क्या माँ पे सुनाते हैं बेसिकली, माँ के माध्यम से बच्चे तक म्यूजिक पहुंच जाता है, उसके कान तक, कान उसके एक्टिव होने लगते हैं उस उम्र तक। और ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चे किसी खास गाने पर लात मारने लगते हैं और दूसरा बच्चा उस गाने पर दम लात नहीं मारता, कुछ तो ऐसे छटे हुए होते हैं गजल पर लात मारते हैं अभी पैदा भी नहीं हुआ, अभी से ब्रेकअप हो गया ऐसा पहले और गजल में मस्त हो रहा है। अब मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, या इसी का एग्जांपल चेंज कर लेते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ है, अभी बच्चे की उम्र है 3 मिनट, ठीक है, अब ये भी पैदा हुआ, सद्य उत्पन्न है और किसी वजह से माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा चलो इसको कोई बात नहीं, बाहर का कुछ भोजन करवा देते हैं ताकि स्वस्थ रहे, 6 घंटे बाद, एक दिन बाद का सोच लीजिए, ठीक है। अब तक उसने केवल अपनी माँ का दूध पिया, उसके अलावा कुछ नहीं, उसको भोजन का नहीं पता, अब तक अंदाजा नहीं है। अरे आप 6 महीने बाद का सोचे ना, क्यों बच्चों को अस्वस्थ कर रहे हैं, बच्चा स्वस्थ है, ठीक है, माँ भी स्वस्थ है, 6 महीने उसने भारत सरकार की बात मान के बच्चे को केवल माँ का दूध दिया गया है। अब माँ ने कहा कि अब 6 महीने हो गए बेटा, अब निकल लो यहाँ से, अपना खुद सर्वाइव करो। तो पहली बार इसको क्या पिलाए, बाप ने कहा बियर पिलाते बाप तो बाप होता है, माँ ने कहा ना मैं तो इसको करेले का जूस पिलाऊंगी बच्चा सोचा ना दोनों बड़े पीस मिले मुझे, तो यार कोई बढ़िया बात बोली थी ना। अंत में चली माँ की ही, करेले का जूस लाया गया और एक ड्रॉपर से लेके उसके जीभ पे डाला गया, ठीक है, सामान्य स्थिति ये तो थूक रही है देखो अभी से अरे आपको थोड़ा पिला रहे हैं भाई थू थू कर रही है देखो, चलिए ठीक है मान लीजिए ऐसा हुआ। ऐसा केसेस हैं बहुत सारे दुनिया में। दो संभावनाएं हैं, पहली संभावना है कि पहली बार तो बच्चा अजीब समूह बनाता है, जब भी कुछ नया जाता है तो अजीब समूह बनाता है जैसे पूरा ब्रह्मांड उसके खिलाफ खड़ा हो गया हो। 10-20 सेकंड के बाद सही पता लगता है कि उसका रिस्पॉन्स क्या है। और ऐसा हो सकता है कि 10 में से 9 बच्चे करेले का जूस टच करते ही ऐसा मुंह बनाए कि उल्टा ही हो जाए उसके बाद कि चाहिए नहीं कुछ हमें अब, और 10वां बच्चा 10-20 सेकंड की अजीब प्रतिक्रियाओं के बाद फिर मुंह फोड़ ले, जी बाहर निकाल ले और मुंह बार बार ऐसे ऐसे करे, कहां गया अभी लाओ और लाओ, ऐसा होता। और फिर उसके माने ड्रॉपर से एक बूंद डाला उसके मुंह में, उस चटखारे ले लेके पिए जा रहा है, जीभ लपलप आ रहा है बार बार की और डालो और डालो, सप्लाई बढ़ाओ इसकी ऐसा कर सकता है। ये एग्जांपल्स वो हैं जो मेडिकल साइंस में देखे जाते हैं, ये कोई रेयर एग्जांपल नहीं है, चाहे संगीत का हो पेट के अंदर, चाहे पैदा होने के बाद पहली बार के भोजन का एग्जांपल हो। तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, 9 बच्चों ने करेले के जूस को लात मार दी, 10वां चटखारे लेके पीने लगा,
ये एटीट्यूड है या नहीं है किसी खास भोजन के प्रति, सकारात्मक या नकारात्मक रुझान? रुझान तो है। तीन बच्चों ने उस संगीत पर कोई वाइब्रेशन नहीं दिखाया, शांत पड़े रहे, और एक बच्चा अंदर नाचने लगा, ध्वादम नाचने लगा उस संगीत को सुन के। सकारात्मक रुझान है। नकारात्मक भी हो सकता है कि बेचैनी से क्या चला रखा है उसको, इस भाव से लात मार रहा हूं, ये भी हो सकता है, लेकिन कुछ रुझान तो है ही। जी उसकी माँ सुनती तो होगी रोज वो संगीत। हरियाणा से हो? मैं भी वहीं से हूँ, मजा आ गया। मुझे मेरी मिट्टी की सुगंध आई है अभी भी, एकदम जन्मी जन्म भूमि स्वर्ग यादव पी गई सी। हाँ, लेकिन ये बात है कि ऐसा होता है कि अगर माँ करेले का जूस ना पीती हो तब भी बच्चा कोई कोई पसंद कर सकता है। खास बात ये है, ये संभावना होती है कि माँ का टेस्ट बच्चे में चला गया हो, ये संभावना है। लेकिन अगर ये भी है तो जन्मजात है या सीखा गया है? अगर ये भी है तो जन्मजात है। और अगर ये नहीं है, क्योंकि कुछ केस ऐसे भी हैं कि माँ को एक भोजन बिल्कुल पसंद नहीं है, बच्चे को पहली बार वो करवाया, बच्चा खुश हो गया, तब भी जन्मजात है। और दोनों ही स्थितियों में ये बात मान के चलना पड़ेगा कि अभिवृत्तियों का कुछ हिस्सा जन्मजात हो सकता है। तो ये वाला जो है ना रिसर्च 1980 के बाद की है। 1980 तक दुनिया भर में सहमति थी कि अभिवृत्तियां सीखी जाती हैं। 1980 के बाद ये सहमति बनने शुरू हुई कि कुछ हिस्सा जन्मजात भी होता है। जन्मजात वाले पर कल मैं आपको लिखवाऊंगा भी और पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा क्या क्या रिसर्च अब तक हुई है। अभी के लिए लिखेंगे सामान्यतः सीखी जाती है, अभिवृत्तियां सामान्यतः सीखी जाती हैं, इस बात पर एक सहमति है। एटीट्यूड्स आर जनरली लर्न्ड, सीखे जाते हैं। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, बहुत सीमित मात्रा में जन्मजात हो सकते हैं। और साथ में लिखिए, इस पर विस्तृत चर्चा आगे होगी।